हेलो लोंडो, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त पैंक्स लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वीडियो। आज की वीडियो है रिपब्लिक डे स्पेशल। आज मैं तुम्हें हर किल पे एक फैक्ट बताऊंगा, फिर तुम्हें तो पता लगे जिस देश में तुम रह रहे हो वो कितना कमाल का है। यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जय हिंद जय भारत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके बॉयज, हम आ गए गेम में और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किल्स निकाल सकें ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स बता सकूं मैं। ओके, तो देखते हैं कहाँ बढ़िया उतरने की जगह है। ओके, लॉन्च बेस हाई लूट एरिया है तो मैं वहीं उतरूँगा। यहाँ पे एक बंदा है और AK-117 लेजेंडरी, कोई रिकॉइल नहीं है तो आसानी से मार देंगे यार। ओके, मुझे नहीं लगता। नंबर वन फैक्ट, शैम्पू इंडिया में इन्वेंट हुआ था। तो कोई साथी यहाँ पे घूम रहा है अभी, अगर घूम रहा हो तो मज़ा आ जाएगा, उसको भी लपेटे में ले लेंगे। ओके, वो आ गया। ओके, वो वैन के पीछे छुपा हुआ है, वो मुझे देख रहा है कि मैं उसको पुश करूँगा फिर वो मुझे मार देगा। मुझे ना ऐसे बंदों पर बहुत हंसी आती है यार, वो क्या ट्राई कर रहा है देखते हैं चलो। ओके, वो नहीं आएगा। उसने तो ठान रखी है कि भाई वो बंदा पीक लेगा, मैं फिर ही मारूंगा उसको। जो इंडियन नेशनल कबड्डी टीम है ना, वो सारे के सारे वर्ल्ड कप जीती है, अभी तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया। जो जो जोसेफ। ओके, एक और प्लेयर है अभी, तो मतलब ये पूरी टीम यहीं खेल रही थी, इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक बंदा उतरा हुआ है उनसे लड़ने के लिए। ओके, आ जाओ बेटा आ जाओ। ये डॉग टैग लेके भागने की कोशिश, और ये मुझे लगता है नए प्लेयर्स हैं, पबजी के प्लेयर्स लग रहे हैं मुझे तो। ये मून पे वाटर इंडिया ने डिस्कवर किया था, तो इनको भी खास नॉलेज नहीं है इस गेम की। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कुछ और बंदे मिलेंगे मुझे। वैसे तो चार होने चाहिए थे, एक पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया, शायद छुपके खेल रहा है, अब ये कुछ कह नहीं सकता मैं। ओके, तो आते ही एक बंदा मिल गया हमें, बोट है मेरे ख्याल से। एक मज़ेदार बात, तो इंडिया का फर्स्ट रॉकेट था ना, वो साइकिल पे ट्रांसपोर्ट हुआ था। ओके, ये टोम टोम नाम लिखा हुआ है इसका कुछ, तो मुझे नहीं पता, तो बोट तो नहीं था शायद। ओके, वहाँ पे एक बंदा है, भागा भागा आ रहा है, ईजिली मार देंगे यार। इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि इंग्लिश बोलती है। रनर है इसका नाम और ये भागा भागा आ रहा है। नाइस, क्या बात है। फ्रैंक ग्रेनेड बहुत काम आएंगे ये टैंक के साथ लड़ते हुए मेरे। लो भाई, वक्त आ गया यहाँ से निकलने का, और देखते हैं यार अभी स्टैंड ऑफ पे मुझे कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई है। ओके, तो यहाँ पे एक मुझे बंदा दिखा है, चलो उसको निपटाएंगे जल्दी से। ओके, जेम्स टाउन 45, इसको उड़ा लेंगे, इजी मैन इजी। डायमंड्स की माइनिंग सबसे पहले इंडिया में की गई थी। टोटल हो गए 6 किल्स। मुझे नहीं लगता अब स्टैंड ऑफ पे कोई और है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ और ट्राई करते हैं यार ज़्यादा बंदे ढूंढ पाएंगे। वैसे हेलीकॉप्टर के बगैर काफ़ी मुश्किल होता था पहले, और ये सर्फ बोर्ड आ गया अब काफ़ी हेल्पफुल है ये, तो एक काफ़ी अच्छी अपडेट दी है इन्होंने। तो यहाँ पे फायरिंग चल रही है, तो यहाँ देखते हैं हमें कितने बंदे मिलेंगे। ओके, मैं गैस कर रहा हूँ यहाँ पे 3 मिलेंगे, देखते हैं 3 मिलते हैं नहीं मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हुआ है और उसका टीममेट भी उसी के साथ है। ईजी मैन ईजी नो के, और वो आराम से बैठा हुआ है, कमाल है। मैं तो ये देख रहा हूँ तो बचाने आएगा नहीं आएगा उसको। ओके, तो मुझे जहाँ तक लगता है डॉग टैग लेके भागने की कोशिश कर रहा था वो, तो मैं तो उनको ईजिली मार दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अंदर बैठा है तो उसको मार लेंगे ईजिली, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये उसका टीममेट नहीं था। ओके, तो साइड में भी बंदे हैं, 2 बंदे हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले एक को मारूंगा, तो एक तो ऊपर भाग रहा है, अगर उसके पास स्नाइपर हुई तो वो यार मुझे अलपेटे में ले लेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे खेलूँगा। और ये मैं बीच बीच में जो फायर कर रहा हूँ ना,
ये बेट करने के लिए कर रहा हूँ ताकि वो गन शॉट सुने और वो यहाँ पे मेरे को पुश कर दें। ये एक बहुत अच्छी टैक्टिक है यार अगर तुम यूज़ करते हो तो। इससे क्या होता है कि एनिमीज़ को लगता है कि यार वो मतलब गोलियां चला रहा है ऐसे वेस्ट कर रहा है, बोट वोट है, इस तरह से सोचते हैं और वो ना पुश कर देते हैं, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ओके जहाँ तक मुझे लगता है उसके पास स्नाइपर नहीं थी। ओह इस बंदे को नहीं पता मैं यहाँ हूँ। नाइस डीमन इविल। बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इंडिया में है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, तो इसको डालेंगे इजीली मैन। ओके तो ऊपर शायद मेरे ख्याल से एक बंदा है, तो मैं चॉपर का यूज़ करूँगा जाने के लिए वहाँ पे। आर्कटिक लेजेंडरी के स्नाइपर एमो भी है भाई, स्नाइपर एमो तो ले ले। ओके वे गुड टू गो। तो मुझे नहीं लगता उसके पास स्नाइपर है, तो वो ऊपर है नहीं, और तो वो भागने में विश्वास रखता है। बंदे ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। ओके गाड़ी आ रही है, नाइस। गाड़ी में मुझे कम से कम दो या तीन बंदे तो मिलेंगे ही, तो एक बाइक है तो दो बंदे यहाँ पे हम पकड़ लेंगे इजली। ओ भाई पोल्टा का है ये। ओके उसने शॉट पहले फायर कर दिए इसलिए वो पहले दिखने लग गया। ये तो तुम्हें पता ही होगा, स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी, ये भी इंडिया ने ही इन्वेंट की थी। राजस्थान में चूहों का भी एक मंदिर है। तो बस ये दो ही बंदे थे, नाइस। बहुत ही बेकार इन्होंने काम किया ये। ये कोई अच्छी टेक्निक नहीं थी कि बीच में तुम यार गाड़ी रोक दो अपनी और खड़ जाओ भाई एनिमी के सामने। तो तुमने देखा ना उनका क्या हाल होता है। अब ऐसा कभी मत करना। तो यहीं पे एक टैंक भी है, देखते हैं टैंक से भिड़ेंगे मुझे लगता है जहाँ तक अभी। ओके तो ड्रॉप अपने पास में है, तो ऐसे यहाँ से एक बंदा आ रहा है तो इजीली मार लेंगे यार। तो ये तो एक एलीट प्लेयर था। मुझे नॉर्मल आर्कटिक अच्छी लगती है लेजेंडरी से वैसे, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे बंदे हैं बट ओके तो यहाँ पे फुटस्टेप्स आ रहे हैं तो मार लेंगे इसको। तो या भाई उन्होंने छेड़ लिया है टैंक को। इंडिया का रोड नेटवर्क सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर यूएस ऑफ कोर्स। इंडिया में एक लिटरली एक विलेज है जिसका नाम है snapdeal.com। तो अब पंगेबाजियाँ होंगी। नोवा गैस मैंने लगा ली है उसको बाहर निकालने के लिए। काम करता हूँ मैं, टैंक पे धावा बोलता हूँ सीधा के सीधा और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे दो या तीन बंदे मिल जाएं मारने के लिए मुझे। टैंक में एटलीस्ट एक तो बैठा ही है, दूसरा टीममेट अगर ऊपर बैठा हुआ तो वो दिक्कत हो जाएगी। ओके तो मेरा काम है इनको पेलना, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ओके ईजी मैन ईजी। इंडिया ने इन्वेंट किया था नंबर सिस्टम, और जो जीरो है वो आर्यभट्ट ने इन्वेंट की थी। ओके बोट ही था वैसे वो, तो कुछ बड़ी बात नहीं थी। ओके तो टैंक दूसरी साइड जा रहा है और फिर वो मुझे मार देगा, तो मैं उसको क्लोज आने देता हूँ एक बार। क्लोज में वो फायर नहीं कर सकता मेरे पे। ओके एमओ उठा लेंगे। आ जा भाई टैंक, क्या कर रहा है तू। तो टैंक से भिड़ रहा है एक, बोट भिड़ रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा था एक ऊपर बंदा खेल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि टैंक शायद दूसरी साइड पे चला गया, तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके तो अंदर एक घूम रहा है चॉपर लेके, ये अभी अभी उतरा था यहाँ से। अराउंड 70% जो वर्ल्ड की टोटल स्पाइसेस है ना वो इंडिया से ही आती है। ओके तो एक गाड़ी लेके आया अभी यहाँ पे, देखते हैं क्या होगा। ओके तो वहाँ एक गन शॉट पहले ही चला रहा है उस पर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तीन बंदे या दो बंदे हैं, तो ये ज़्यादा चालाक बन रहा आदमी, तो इसको हेड शॉट देने की ट्राई की मैंने लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके तो ये स्मोक बॉम्बर है, तो मैं स्मोक में तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो अभी मेडिसिन यूज़ कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा उसे, करने दूँगा जो कर रहा है। ओके लेवल 3 वेस्ट, नाइस नाइस। इजीली यार इजी मारेंगे बिल्कुल यार,
ओके, जहाँ तक मुझे लगता है एक और बंदा वहीं पे है, तो मैं वेट करूँगा अभी। इतना मैं भी मेडिकेट यूज़ करूँ अपनी। ओके, तो वो भाग रहा है, वो डॉग टैग उठाने आ रहा है उसका। साफ साफ दिखा, AK-49 है इसका नाम, लोल। ओके, एक और, ये भी इसी टीम का था। डॉग टैग उठा के भागने की इतनी जल्दी है इनको, इनको ये नहीं पता यार मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ अभी तक। मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने कॉल आउट नहीं दिया था, इतनी नॉलेज तो उन्हें होनी चाहिए थी। खैर वहाँ पे मैं हूँ, कोई बात नहीं, तुम गलतियाँ करो, हम किल ले लेंगे। और ये गेम ऐसे ही चलती है। ओके, 19 किल्स। मार्शल आर्ट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे, बाद में ये एशिया में फैला था। वाराणसी में फ्रॉग्स, मेंढकों की भी शादी होती है। कुंभ मेला तुम स्पेस से भी देख सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात है ना, पाई के बारे में तुम्हें पता होगा। पाई की फर्स्ट कैलकुलेशन इंडियन मैथमेटिशियन बुधायना ने की थी। अभी देखते हैं यार कितने और बचे हैं बंदे। सोलो वर्सेस स्क्वाड में यार यही मज़ा आता है यार, तुम्हें बंदे मिलेंगे, इंटेंस फाइट्स मिलेंगी तुम्हें, मज़ा आएगा। ओके, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऊपर से एक बंदा आ रहा है। मुझे लगता नहीं आ रहा। ओके, तो मेरे लेफ्ट में शायद खेल रहे हैं कुछ बंदे। ओके, तो टैंक यहीं आ रहा है वो, तो मैं अभी नोवा गैस उसके रास्ते में डाल देता। अरे रुक गया वो। ओके, तो हिट मार्कर्स आने शुरू हो गए, अभी तक रोका नहीं उसने टैंक को। एक और नोवा गैस डालूंगा इसके ऊपर, उसने मुझे देख तो लिया है, अब हिट मार्कर पड़ने लग गए उसको। ओके, ये तो डरा हुआ है यार बंदा बहुत ज़्यादा, इसके बस का नहीं है टैंक चलाना। आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा। ओके, तो बाहर निकल गया वो, पलटा गया है, शिट। अरे इसने मेरे को यार छोटा आदमी लगा रखा है मुझे लगता है जहाँ तक। ओके, तो पीछे भी है एक बंदा, वो पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे लग रहा है वो बोट है, आराम से घूम रहा है टैंक के पीछे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं टैंक को पहले पकड़ता हूँ, पहले पीक लेते हैं यार, जंप पीक लेंगे इसकी। ओके, इतनी तो इसमें रेंज में मार ही नहीं सकता मेरे को, वो तो बोट ही है, इतने में तो नहीं तो मेरे पे गोलियां चला देता वो, मैं गोलियां नहीं चलाई तो बोट ही है, तो आराम से खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें तो एक ही बंदा बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो भागने की कोशिश, वो फिर अंदर चला गया, ये तो कम अजीब बात है भाई। क्या दौड़ाया इस बंदे को यार, फैजन। अगर मुझे ये अरब या फिर पता नहीं पाकिस्तानी सर्वर में भेजा है शायद, लग रहा है मुझे जहाँ तक जिस हिसाब से नाम आ रहे हैं। तो यहाँ बोट था यार, उसको तो पकड़ूँ मैं, बोट कहाँ गया मेरा, ऊपर ही दौड़ रहा था, तो मुझे लग रहा है छुप गया वो, प्लेयर भी हो सकता है असली। ओके, वो आ रहा, ये तो रियल प्लेयर है, इसी तो मूवमेंट देख के पता चल गया मेरे को। ईजी मैन, ईजी। डेसिमल सिस्टम की इन्वेंशन इंडिया में हुई थी। चाय नेशनल बीवरेज है इंडिया की। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर दो यार, और चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। प्ले स्मार्ट, नोट हार्ड, एंड बाय फॉर नाउ।